मेरा नाम अंकिता है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मेरे दादाजी, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, अपने पैसों का राज बताए बगैर ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और इस वजह से मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची सभी लोग उस पैसे की लालच में डूब जाते हैं और बस यही पता करना चाहते हैं कि आखिर वो पैसा है कहाँ पर। उसी पैसे को हासिल करने के लिए वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पैसों का लालच देकर वो उस तांत्रिक से दादाजी से पैसों के बारे में पूछने के लिए कहते हैं, जिसमें वो तांत्रिक कहता है कि वो दादाजी को एक महीने के लिए जिंदा कर देगा और वो हम पर है कि हम दादाजी से कैसे उन पैसों के बारे में पूछते हैं। जैसे ही उस तांत्रिक ने हमसे ये सब कहा, मेरे घर वाले अगले ही दिन से दादाजी का इंतज़ार करने लगे। रोज ही घर में तरह तरह के पकवान बनते और आँख मूंद कर दादाजी का इंतज़ार किया जाता कि वो कभी तो घर वापस आएंगे। ज़्यादातर लोग इस वजह से खुश थे कि फाइनली पैसों के बारे में पता लगने वाला था। ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं पर किसी को भी दादाजी नज़र नहीं आते। इसके बाद मेरे चाचा जी और मेरे पापा वापस से उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर हमें तो हमारे दादाजी नज़र ही नहीं आ रहे, आखिर ऐसा क्यों है। तब उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे दादाजी अब एक आत्मा बन चुके हैं और मैं एक आत्मा को किसी जिंदा शरीर में नहीं डाल सकता। मैं उन्हें आत्मा के ही रूप में तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। अगर तुम सभी रात को जागने के बजाय सो जाओगे तो शायद तुम उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। तांत्रिक के बताए गए तरीकों से सभी परिवार वाले रात में जल्दी सोना शुरू कर देते हैं और दादाजी के बारे में कम ही सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अब हम सभी को किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारे पास है। कभी कभी हमें किचन में काली परछाइयाँ नज़र आती, कभी कभी लोगों को आईने में ही दादाजी नज़र आते। हम सभी ने कभी भी ये सब असल ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था, इस वजह से हम थोड़े घबराए हुए थे और बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कोई तो दादाजी से उन पैसों के बारे में पूछे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उस परछाई की शक्तियाँ मानो जैसे बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में तो बस हल्की फुल्की तस्वीरें और काली परछाई नज़र आती थी या कभी कभी हमारे सपने में हमें दादाजी नज़र आते थे, पर अब हालात थोड़े बिगड़ने से लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कभी कभी हमारे घर में पूरी तरीके से गैस फैल जाती थी और जब हम किचन में जाकर देखते थे तो गैस से पाइप निकला हुआ होता था। बस हमारे घर में एक चिंगारी की ही देर होती थी और शायद हम सभी मर जाते। ऐसे ही फिर एक और दिन हमारे घर में टूटे हुए कांच पूरी तरह से बिखरे हुए होते और वो अक्सर ही किसी ना किसी के पैरों पर चूप जाते। अब हालत बद से और बदतर हो चुके थे। मेरे पापा और मेरे दोनों चाचाओं की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मानो जैसे कोई उनके शरीर में से उनकी सारी ताकत चूस रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टर को मेरे पापा और मेरे चाचा को दिखाया था, पर कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का कारण नहीं बता पा रहा था। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इतने कमज़ोर कैसे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरे पापा और मेरे चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही थी। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मेरे पिताजी जो कि 40-45 साल के हैं, वहीं मेरे चाचा जी 30 साल के थे, पर उनकी तबीयत ऐसी हो चुकी थी मानो जैसे कि वो 60-70 के हो गए हों। अब उनके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। अब हमें ऐसा लगने लगा था कि वो आत्मा ही हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। अब हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद वो हमारे दादाजी नहीं हैं, शायद एक ऐसी चीज़ हमारे घर में आ गई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है, क्योंकि उस चीज़ के आने से ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही
तकलीफें शुरू हो गई थी। यही सब देखने के बाद बड़ी हिम्मत करके मेरे पापा और मेरे चाचा वापस से उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे दादाजी को वापस बुला लेने को कहते हैं। तब वो तांत्रिक कहता है कि आत्माएं हमारी ज़िंदगी में हमारे बुलाने से आती हैं, पर वो जाती अपनी मर्जी से है। अब आपको इस चीज़ को एक महीने तक तो झेलना ही पड़ेगा, तब तक और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो तांत्रिक अंधेरे में ही गायब हो जाता है और हमें इस चीज़ को एक महीने तक झेलना पड़ता है। घर के हालात अब बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके थे। घर में हर कोई डरा और सहमा सा घूमता था। पहले तो वो आत्मा हमें कभी कभी काली परछाई के रूप में नज़र आती थी, पर अब हमें ऐसा लगता था जैसे कि वो 2400 घंटे हमारे ही साथ है। हमें उस चीज़ का महसूस होना कभी बंद ही नहीं हुआ। घर में एक नेगेटिविटी सी छा चुकी थी। घर में किसी की भी तबीयत अच्छी नहीं थी। अब बस हर कोई यही चाहता था कि वो चीज़ इस घर से चली जाए। किसी को भी अब पैसों के बारे में ध्यान भी नहीं था। वो बस चाहते थे कि चीज़ें कैसे भी करके नॉर्मल हो जाएं पहले की तरह। मेरे परिवार ने जैसे तैसे करके उन एक महीनों को काटा और जैसे ही वो एक महीना ख़त्म हुआ, घर में चीज़ें अपने आप ही नॉर्मल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सर पर से कोई बोझ कम हो गया हो। हमारा सर हर वक्त ही भारी रहता था। अब घर परिवार में सभी की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी थी, पर ये बात भी थी कि किसी को भी पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। पर अचानक से ही घर के माहौल बदल गए थे। इसी चीज़ को लेकर हम सभी वापस से उसी तांत्रिक के पास जाते हैं, जहाँ पर वो तांत्रिक हमें सारी बात बताना शुरू करता है। उस तांत्रिक ने कहा कि तुम सभी मेरे पास पैसों की लालच के लिए आए थे। मैंने तो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी की ही आत्मा को भेजा था, पर जब एक बार इंसान इस दुनिया से चला जाता है और वो आत्मा बन जाता है या प्रेत बन जाता है, ये प्रेत आत्माएं किसी के भी सगे नहीं होते, ना ही किसी के रिश्तेदार होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तुम सभी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो कि उस आत्मा ने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वरना शायद हो सकता था उन पैसों की लालच की वजह से शायद तुम्हारे घर से एक और अर्थी उठ रही होती। तांत्रिक की ये सारी बातें सुनने के बाद हम सभी वापस अपने घर आ गए थे और कोई भी उन पैसों के बारे में जानना नहीं चाहता था। पर 6 महीने गुजरने के बाद हमें उसके बारे में भी पता चला कि दादाजी के 3 बिजनेस में से 2 बिजनेस तो ऐसे ही ख़त्म हो चुके थे, पर वो घर में बताना नहीं चाहते थे, यही सोच कर कि उनके बच्चे कितने लालची हैं। एक बिजनेस से ही जो पैसा आता था वो सभी को बांट देते थे और अपने पास वो कोई पैसा नहीं रखते थे।